Hi guys, my name is Sahil Farooq and my name is Abhi Sohail. Welcome back to our channel Insane Reacts. जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो करें लाइक और बेल आइकन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना. और हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स आपको शो हो रहे होंगे, तो प्लीज वहां जाके हमें फॉलो करें. और आज की जो वीडियो है यार, सभी बहुत धमाकेदार आने वाली है. भूल भुलैया 2 दो से तीन साल के इंतजार के बाद में कोविड आ गया था. फिल्म 2020 में रिलीज होनी थी लेकिन 2022 आ गया है. फीचरिंग कार्तिक आर्यन, केआर आडवाणी एंड तब्बू. मैंने जैसे टीजर में वादा किया था कि मैं ट्रेलर आने से पहले पहले भूल भुलैया दोबारा देखूंगा, तो मैंने देखी और बहुत मजे की थी. ताहे उस फिल्म का मैं कहता हूँ कि कोई भी मतलब ना, वो क्रेज आज तक नहीं मतलब खत्म हुआ. और क्या अक्षय कुमार ने ना ये किया था उसमें. सब देखते हैं कि कार्तिक आर्यन, केआर आडवाणी और तब्बू क्या करते हैं. और ये फिल्म है अनीस वाजमी की, वशुन कुमार, मुराद खान, अंजुम खान. अंजुम ये के खान ही होंगे ना, पॉसिबल है. अभी मैं हो भी सकता है डिफरेंट भी होते हैं, जिस तरह कार्तिक आर्यन और केआर आडवाणी की डिफरेंट है, एएस है. तो जो भी है, चलो ये हमने लिया है टी सीरीज से. ये हमने टी सीरीज के चैनल से लिया है, जिसकी ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन होगी. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द ओरिजिनल वीडियो. जो थी ना उसमें भी इतना ज्यादा हॉरर नहीं था. हॉरर तो ठीक है, लेकिन मंजुलिका फर्स्ट टाइम अपीयर हो रही है भूल भुलैया में. लास्ट टाइम भी जस्ट मंजुलिका का नाम था. और उसके बाद में उन्होंने दिखाया कि एक विद्या बालन के रूप में, और यहाँ पे तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही विद्या बालन थी, वो इतना ज्यादा भी वो नहीं हुई थी ना. यूनियन दिखाई व्हेन शी टर्न्ड आउट हर फीट्स
और उछल रही थी और उड़ रही थी हवा में, दैट वाज लाइक सुपर हॉरर। उसके अलावा इसमें रोमांस भी था काफी, बट स्टिल मुझे अक्षय कुमार बहुत, मुझे जैसे ही टाइटल सॉन्ग के बाद स्टार्ट हुआ ना म्यूजिक इनका अपना, ठीक है, तो उसमें जैसे ही वो स्टार्ट हुआ मुझे फौरन फ्लैशबैक अक्षय कुमार के आना स्टार्ट हो गए थे। बेसिकली जो पहली फिल्म थी ना वो उसकी जगह कोई नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे टोटली ही। डिफरेंट थी। वो उसमें उन्होंने मंजुलिका एक मतलब एक एक साइकोलॉजी फैक्टर था उसमें, एक दिमाग की गेम विद्या बालन का था भी सारा कुछ उसमें था। उसमें था कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक दिमाग की गेम है उसमें। मंजुलिका ऐसी कोई कोई एग्जिस्ट कर ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, सिर्फ उनकी दो कहानियां थी विद्या बालन के दिमाग में, उनकी बचपन की जो वो आपस में को रिलेट कर रही थी, वो अपने आप को शिफ्ट कर रही थी दूसरे करेक्टर के अंदर, और गांव वालों के माइंड में जो पहले से स्टोरी चल रही थी तो अक्षय कुमार ने उन सब को रिजॉल्व कर दिया। हाँ, ये वो मूवी थी, बहुत मजे की थी उसको। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से एक प्रॉपर एक मतलब वो ना एक स्पिरिचुअल जो डेविल डेविल कहते हैं ना डेविल, वो वाकई में शायद आ गया है। हाँ, अब वो इसमें वाकई में शायद उन्होंने वो टच ऐड कर दिया कि वाकई में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो खत्म नहीं हुई थी, वो वाकई में थी। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि पता नहीं मंजुलिका आखिर आई क्यों, क्या करेगी, बिकॉज लास्ट मूवी में उसका खत्म हो गया था सारा, उसने जो रिवेंज लेना था वो ले चुकी थी, असल सब में खत्म हो चुका था। तो लास्ट मूवी में उन्होंने दोबारा उसको बंद कर दिया था, रिवेंज लेके वो चली गई थी, इसमें दोबारा ने खोल दिया, दोबारा खोल दिया। पिछली मूवी में मुझे इससे रिलेट करती है कि उसमें एक स्टोरी थी, वो मंजुलिका राजा महाराजों की, लोग बहुत ज़्यादा इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट फैसिनेट होते हैं पिछली एंशियंट स्टोरीज के साथ और राजा महाराजाओं की, और उसको बांग्लादेशी टच दिया गया मंजुलिका को, और ये गाना है ये भी बंगाली गाना है, बंगाली टच दिया। हाँ, तो उसमें और इसमें मतलब एक बहुत ही साइकोपैथिक फिल्म थी, बहुत मतलब आपको आपको ये नहीं लग रहा था कि लगता था कि आप इसमें हंसना है, या आपको नेचुरली फ्लो में हंसी निकलती थी उनके एक्शन के साथ। एंटरटेनमेंट भी था, हॉरर भी था, मतलब हर पॉइंट ऐसा था ना जहाँ पे आपको लगता था सस्पेंस है कि आगे क्या होने वाला है। इवन अक्षय कुमार वाली जो फर्स्ट फिल्म थी ना उसमें मैं भी लास्ट मोमेंट तक यही सोचता रहा कि आखिर अक्षय कुमार के माइंड में चल क्या रहा है, ये मंजुलिका आ कहाँ से रही है, विद्या बालन नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, शायद वो जो लास्ट में अक्षय कुमार के साथ जो फीमेल एक्टर का पेयर अप कर रहे थे शायद उसमें कोई फॉल्ट है। हाँ, लास्ट में मगर राधा 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 नाम था लास्ट लास्ट में मुझे आगे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जो कि ये फिल्म की हीरोइन बनी हुई थी, सबसे नॉर्मल लेडी बनी हुई थी, वो ही मंजुलिका का रोल प्ले कर रही थी। बात ये थी कि विक्टिम ही किलर था, बिल्कुल वही बात। लेकिन इसमें ये जो डिफरेंट स्टोरी है इसमें मतलब प्रॉपर एक दिखाया एक चुड़ैल है जो आगे, इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था, एक थॉट थी इसमें, एक प्रॉपर है मतलब इसमें जो स्लिट्स थे अच्छे थे, मतलब वो जो पिछला वाला जो परफेक्शन थी वो नहीं थी, इसमें थोड़ा लगता था जैसे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सेट्स है, वो झूमर आर्टिफिशियल कलर जितना हो सकता है, बट अब ये आने से ज्यादा हमें पता चलेगा जब ये रिलीज होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ये रिलीज हो जाएगी, अभी एक महीना भी नहीं रह गया। और वैसे भी आ रही है, हम जरूर देखेंगे। हाँ, सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय, अल्लाह हाफिज़।